ये एक्सरसाइज क्रोमेटिक है और ये एक्सरसाइज हम इसलिए सीखने वाले हैं जैसे कि हमारी फिंगरिंग और स्ट्रांग होगी और हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड से जो कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो और बेहतर होगा और अल्टरनेट पिकिंग भी अच्छी होगी और राइट हैंड की जो रिस्ट है वो भी स्ट्रांग होगी इससे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं, चालू करते हैं इसे। स्लो मोशन में बता रहा हूँ मैं, और ये फ्रेट है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर से लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोह क्रम से, पीछे से आगे से पीछे की ओर आ रहे हैं, मतलब इधर नीचे आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रेट है? ये 15th फ्रेट है। 15th कैसे हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ये 15th फ्रेट। फ्रेट नंबर 15 से, 15 पे रखेंगे हम चौथे नंबर की उंगली, लेफ्ट हैंड की। ठीक है, फोर्थ फिंगर, वो स्लो स्ट्रोक करके बता रहा हूँ मैं आपको, और ये एक्सरसाइज में शॉर्ट में बताने वाला हूँ, बाकी पूरी किस तरह बजाना है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप ठीक उसी तरह अपना गिटार घर पर लेकर बैठिए और ये चीज़ सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको स्लो मोशन में सिखा रहा हूँ, आप आसानी से इस एक्सरसाइज को जैसे मैं सिखा रहा हूँ एक बार में समझ सकते हैं, बजाकर देखकर बजा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे बजाए इसको? ये ऐसा है ना, तो इसको स्लो मोशन में, अब फिर इधर ऊपर आना है हमको धीरे धीरे। तो स्किप कैसे करेंगे फ्रेट्स? फिर ये जो सेकंड फिंगर है, इसके बाद हमको 14 फ्रेट पे फोर्थ फिंगर रखना है, पीछे आते जाना है धीरे धीरे। फिर 13 फ्रेट पे, फिर 12, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर ऊपर आए, नीचे आए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आए। अब इतनी हो गई क्लियर, अब फिर हमको स्ट्रिंग को स्किप करना है, मतलब स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग पे जाना है इस स्ट्रिंग से, तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाएंगे। अभी हम सिक्स स्ट्रिंग पे थे, तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इतनी हो गई एक्सरसाइज क्लियर है, अब फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाना है, तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे उल्टा बजाना है। इधर से कैसा बजाया हमने? ऐसा बजाया, तो अब ठीक उसी तरह इधर से थोड़ा उल्टा बजाना है, कैसे? इधर से हमने कैसा बजाया था वो इधर से ठीक उसका उल्टा बजाना है, तो हम अब हम इसको स्लो मोशन में सीखेंगे बजाना। ठीक है, बजाना, फिर सेकंड फ्रेट पर रखेंगे फर्स्ट फिंगर, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे,
अब हमको फोर्थ स्ट्रिंग पे जाना है, तो फोर्थ स्ट्रिंग पे जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से फोर्थ फिंगर को रखेंगे, ठीक है, फिर उल्टा बजाना है हमको, मतलब सीधा जैसे हम गए थे। शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग फॉर्म ही है, अगर आप समझ सकते हैं इसको देखकर आसानी से, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या समझ में नहीं आया, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार और अब हम इसको मीडियम फास्ट स्पीड में बजा कर देखेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को, हॉल एक्सरसाइज को, ठीक है। स्पीड में मैंने आपको बजाकर बताया, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत बजाना, अगर जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं या जिन लोगों का हाथ थोड़ा बहुत जमा हुआ है, तो वो इस स्पीड को भी देखकर सीख सकते हैं। और जो मेरे भाई लोग हैं, जो जिन्होंने नया नया अभी गिटार बाय किया है, जो लोग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, यूट्यूब से लेसन देख रहे हैं या फिर कहीं भी सीख रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो इस एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करके अपना हाथ जमा सकते हैं।